देखें ध्यान से, ऑल फाइव प्रॉपर्टीज, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो क्लियर नहीं हो रही हो पूछ सकते हैं। नोट हो जाए तो बता दे। ओके कंप्लीट है ना। तो फिर से मैं सारी प्रॉपर्टी बताता हूं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब वो वन वन ऑन टू हो, और अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो यूनिक होता है और वो भी वन वन ऑन टू होता है। एफ इनवर्स इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एफ होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने लिखा है एफ ए इंटू बी अगर बाइजेक्टिव है और जी बी का इनवर्स है तो गॉफ निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए आएगा, फॉग निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट बी आएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स की बात करते हैं हम। अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स और उसके इनवर्स का ग्राफ बनाएं तो दे आर द मिरर इमेज, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शंस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एंड If graph of functions y equals to fx and y equals to f inverse x are the mirror image of each other, are the mirror image of each other in the line y equal to x, line y equal to x के अबाउट फंक्शन एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। एग्जाम्पल बस ठीक है, जैसे हम दो फंक्शन लें y equals to fx, a to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसमें मैं केस ले लेता हूं कि ये जीरो वन से ग्रेटर है, वो अपने को तभी उसका ग्राफ बना पाएंगे अपन। ए ग्रेटर देन वन वाला केस ले लिया अगर तो ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, मालूम है सभी को y इक्वल्स टू ए टू दी पावर x। अब दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने जी एक्स बोल दें इसको, वो ले लिया लॉग एक्स टू द बेस ए, यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन, तो लॉग एक्स का ग्राफ याद है सभी को। ध्यान से देखो, एंड दिस इज द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स एंड लॉग एक्स एंड ए टू द पावर एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो ग्राफ ऑफ लॉग एक्स एंड ए टू द पावर एक्स इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। दिख रहा है बेटा मिरर इमेज दिख रही है आपको, y equals to x जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज हो। है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इफ अ फंक्शन एफ
एंड इन इट्स इनवर्स, इज आइडेंटिकल. इफ अ फंक्शन एफ एंड इट्स इनवर्स, एफ इनवर्स इज आइडेंटिकल, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स. हाँ, ये पॉइंट समझ में आया क्या? जैसे अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल है, देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा आपने और y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स लिखा, ये दोनों इक्वल है, तो अगर हम f इनवर्स x है ना, f इनवर्स x और एफ एक्स का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहां से x आप कैलकुलेट करोगे, देखो बेटा x कैलकुलेट करोगे तो f को उधर ले जाओगे, तो f इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, तो f इनवर्स ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाता है, x ही हो जाता है ना, तो सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन निकाल लो, वो सेम होगा. बात समझ में आई क्या बेटा? ये नहीं आई? देखो सुनो, इसमें ये हम बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स अगर सेम हो जाए, अगर कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर सेम हो गए, तो अब हमें अगर ये इक्वेशन बन गई एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसके सॉल्यूशन निकालना है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन निकाल दें तो इक्वल ही आएगा. कैसे आएगा? देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स, अब अगर यहां से x कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये f इनवर्स f इधर जाएगा y पे लगेगा f इनवर्स y, और y की जगह क्या आता है, एफ एक्स ही होता है, तो देखो वो f इनवर्स f कैंसिल होके क्या मिल जाएगा, x ही मिलेगा. इज इट क्लियर? है ना, अभी एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, उसमें और क्लियर हो जाएगा. है ना, क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे. हाँ, सेवंथ पॉइंट तक नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं. अगर देखो फिर से और बता रहा हूं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर सेम होंगे, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर इक्वल होंगे, तो जो लाइन y इक्वल्स टू x पर ही हमें उनके इंटरसेक्शन मिलेंगे. किस लाइन पर इंटरसेक्शन मिलेंगे बेटा? लाइन y इक्वल टू x पर ही इंटरसेक्ट करेंगे वो, क्योंकि इसी के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं. तो y की जगह क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स, और ये x की जगह x रखा. सौम्य समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों के ग्राफ y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के कहां मिलेंगे, y इक्वल टू x लाइन पे मिलेंगे, तो y इक्वल टू x में y की जगह fx रख दिया, क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू fx होता है, तो fx इक्वल टू x आ गया, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम, एट्थ पॉइंट हो गया ये कंप्लीट सभी का. एट्थ पॉइंट,
ओके एट्थ पॉइंट पर आ रहे हैं हम. इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस सच दैट गॉफ एग्जिस्ट देन गॉफ इनवर्स निकालेंगे तो रिवर्सल लॉ लगेगा एफ इनवर्स जी इनवर्स. समझ में आया बेटा? जैसे मैट्रिक्स का इनवर्स होता है ए बी इनवर्स हमेशा क्या होता है बी इनवर्स ए इनवर्स. उसी तरह अपन ने रिलेशन में भी पढ़ा था कि रिलेशन में आर ओ एस का इनवर्स क्या होगा एस इनवर्स ओ आर इनवर्स. वैसे गॉफ इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है. If f and g are two functions such that gof exist, then gof inverse equals to f inverse o g inverse. मतलब f inverse और g inverse का composition होता है. हो गया क्या बच्चों? हो गया. चलो क्वेश्चन करें आगे. ओके तो कल हमने एक दो क्वेश्चन किए भी थे, आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन उसी सीरीज में. लेट एफ 1 to infinity टू 1 to infinity defined as fx equals to 2 to the power x into x minus 1. Find f inverse. F inverse find कर सकते हैं. प्रोसेस बताया था पहले 1 से इंफिनिटी में फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए, है ना बेटा? पहला काम तो यही करना चाहिए कि हमें फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं वो चेक करें. तो 1 1 चेक करने के लिए प्रोसेस मालूम है, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. और किस डोम x बिलोंग्स टू 1 to infinity में ही 1 1 चेक करना है. तो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस x 2 to the power x इंटू एक्स माइनस 1 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस x. तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस x डिफरेंशिएशन से कर लें. f डैश x निकाला तो 2 ax का डिफरेंशिएशन ax log a साथ में फिर एक्स स्क्वायर का 2x-1. ये समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन यही आएगा, याद है सभी को, a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x log a और फिर जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना. अब डोमेन क्या है बेटा? 1 to infinity. 1 से बड़ा नंबर जब x के प्लेस पर रखेंगे तो ये हमेशा, ये तो टर्म पॉजिटिव ही है, log 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ये अगर x की वैल्यू मोर देन 1 रखोगे तो पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव आ गया. f dash x is greater than 0, it means f is 1 1 in 1 to infinity, right? ये सब कुछ समझ में आ गया क्या? 1 1. स्नेहिल, सौम्या, लविकांत, 1 1 समझ में आया क्या? कैसे बोला हमने? ठीक है. अब ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगी और डोमेन 1 to infinity में रेंज निकालेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज बता सकता है कोई? परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालना पड़ेगी. एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट 1/x का कोफिशियंट 1-1, उसका हाफ किया 1/2 का स्क्वायर एड किया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4. इतना समझ में आया? अब देखो x की वैल्यू बेटा 1 से इन्फिनिटी है,
डोमेन वन से इन्फिनिटी, तो उसमें से वन बाय टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन माइनस वन बाय टू वन बाय टू, स्क्वेयरिंग करोगे वन बाय फोर, वन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें तो जीरो आ गया। ठीक है, इसको टू की पावर में लिखोगे पूरे, टू की पावर में जीरो क्या आ गया वन, तो ये आपका एफ एक्स जो आ गया उसकी रेंज आ गई वन से इन्फिनिटी। क्या रेंज समझ में आई क्या बेटा, कैसे कैलकुलेट की मैंने रेंज का कैलकुलेशन, समझ में आया सबको? यस, ठीक है, तो रेंज क्लियर हो गई वन टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी कितना गिवन है वन टू इन्फिनिटी, सो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू, वन वन ऑन टू है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और अब हमें उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर कैलकुलेट करूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में लाना है, तो वाई आपका है टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ तो एक्स स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ गई, लॉग वाई टू द बेस टू, राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई टू द बेस टू क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, राइट। अब एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में आ गई, लेकिन प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, और हम इनवर्स तो यूनिक होता है, तो प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक्स की दो, हाँ तो आपको मालूम है डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन से इन्फिनिटी है, तो सुनो ध्यान से, अगर लॉग वाई में यहां पर लॉग वाई की वैल्यू जीरो भी हो जाए तो ये वन है, और वन में वन एड होगा, ये वन प्लस वन एड होगा तो टू आएगा, और टू बाई टू मोर वन आएगा, अगर वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया तो वन से लेस हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन रिजेक्ट होगा और केवल प्लस साइन सिलेक्ट होगा। रीजन समझ में आया क्या, प्लस साइन सिलेक्ट होने का और माइनस साइन रिजेक्ट होने का? उत्कर्ष, प्लस साइन सिलेक्ट होने का और माइनस साइन रिजेक्ट होने का रीजन क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है ना? यस सर। क्योंकि अगर माइनस ले रहा हूं मैं तो x की वैल्यू लेस देन 1 जा रही है, और लेस देन 1 है ही नहीं, डोमेन ही नहीं, तो फाइनली मैं f इनवर्स y बता दूं अपना, f इनवर्स x लिख दूं, क्या आ गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ये 4, मेरा 4 छोड़ दिया है, यहां मैंने 4 भी है, 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 अपॉन 2। ठीक है, इनवर्स दिख रहा है सबको, है ना? फाइनल इनवर्स यहां और लिख देता हूं मैं, कैसे क्या निकाला है मैंने इनवर्स, F inverse भी 1 से infinity to 1 to infinity ही आएगा, और F inverse x define कैसे होगा, F inverse x equals to 1 plus under root 1 plus 4 log x to the base 2 divided by 2, 1 plus 4 दिख रहा है बेटा, visible है पूरा? ठीक है बच्चों, क्या लिखा है मैंने, एफ इनवर्स दिख रहा है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग एक्स टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। सभी को समझ में आ गया इनवर्स कैसे निकाला है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएं। ठीक है, इफ द फंक्शन fx equals to ax plus b is the inverse of itself,
if the function fx equal to ax plus b is the inverse of itself, then find the ordered pair ab. Then find the ordered pair ab. Kar sakte ho? Find the ordered pairs ab. Ki ab kon kon se ordered pair aayenge. हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आपने इनवर्स निकाला क्या इसका? तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकाल लो, y माइनस बी अपॉन ए. तो f इनवर्स x लिख दूं मैं, x माइनस बी अपॉन ए, ये f इनवर्स x है. और f x है, ax plus b is identical, है ना, यही खुद का इनवर्स है, तो इनवर्स और ये इक्वल होंगे, x अपॉन x माइनस बी अपॉन ए. हाँ बेटा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ वन बाई ए एक्स माइनस बी बाई ए, राइट, कंपेयर कर दो x का कोफिशियंट, a इक्वल्स टू वन बाई ए एंड b इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. तो यहां से मिला बेटा ए स्क्वायर वन, तो ए की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस वन, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो प्लस माइनस वन मिल गई. अब बी निकालना चाहते हैं, तो ए की वैल्यू जब आप सुनो यहां पर ध्यान से, जब ए की वैल्यू प्लस वन रखोगे, है ना, ए की वैल्यू फॉर ए इक्वल टू प्लस वन, फॉर ए इक्वल टू प्लस वन, ए प्लस वन रखा तो आपको क्या मिला, बी इक्वल्स टू, ए को प्लस वन रख दिया माइनस बी, तो टू बी इक्वल टू जीरो, तो बी क्या मिल गया, जीरो. तो एक ऑर्डर्ड पेयर आया, जब ए वन लिया तो बी जीरो, फिर अब ए को माइनस वन लिया, ए को माइनस वन लिया तो बी इक्वल टू बी हो गया. तो b इक्वल टू बी कब होता है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो माइनस वन बी, और वेयर b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. समझ में आया क्या? तो हमसे ऑर्डर्ड पेयर ab पूछे थे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर वन जीरो आ गया, दूसरा माइनस वन बी आ गया, और b के साथ में कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता. सभी को कंसेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर सभी को? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. ये लो, है ना, आप लोग करके बताएंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ ए सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज आइडेंटिकल
विद एफ इनवर्स एक्स। करेंगे आप लोग? Find the value of a so that fx equal to ax plus 1 upon x plus 3 is identical with f inverse x. हाँ, किसी का आंसर आए तो बताएं बच्चों। इनवर्स थोड़ी पूछा बेटा, जैसे क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स और हाँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन बाई थ्री। चलो हम ट्राई करते हैं एक बार। तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया सबने, वाई से डिनोट किया, ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स वाई प्लस थ्री वाई, ए एक्स प्लस वन, x की वैल्यू चाहिए आपको तो 3y को उधर ले गए, x है ना, xy माइनस ax, xy माइनस 3y को उधर ले गए, तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो y माइनस a, 1 माइनस 3y, x हमने निकाला 1 माइनस 3y अपॉन y माइनस, तो हमारा f इनवर्स x आ गया। अब हम बोल रहे हैं एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स आइडेंटिकल है, सेम है, इक्वल्स टू वन माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस। तो देखो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो यहां, अगर मैं डिनोमिनेटर में अगर एक ही जगह माइनस थ्री रख दू तो देखो मैच हो गया, पूरा एल एच एस आर एच एस की इक्वल आ गई। देखो बस एक ही जगह रखना क्या है, माइनस थ्री, देखो एक ही जगह माइनस थ्री रख लो, ठीक है, तो बस फाइनल आंसर ए इक्वल टू माइनस थ्री। अब ये तो आपने बोला कि भाई ये अगर हमने क्लिक नहीं किया कि ये माइनस थ्री रखने से आएगा तो बस आंसर आ गया ए इक्वल टू माइनस थ्री, पर फंक्शन एक दूसरे के क्या है, फंक्शन और इनवर्स दोनों सेम है। हाँ, अब इसको आप ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मैंने, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस नाइन एक्स, है ना बेटा। तो एक्स स्क्वायर की टर्म हम देखें ये रही और ये रही, तो बेटा ए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की टर्म, एक्स की टर्म ध्यान से देखेंगे माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स वन प्लस नाइन एक्स, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, प्लस नाइन एक्स इधर आया तो नाइन एक्स की टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म बची आपके पास माइनस ए माइनस थ्री, तो प्लस करके माइनस ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट थ्री। बताओ थ्री क्यों, क्योंकि फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है थ्री, एक्सेप्ट माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो बाकी सब के लिए ट्रू है, केवल माइनस थ्री के लिए ये जो मैंने इक्वेशन बनाई वो ट्रू नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने हो गए, दो से ज्यादा, सभी एक्स के लिए ट्रू है केवल माइनस थ्री, तो वो इक्वेशन नहीं है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए, तीनों से यहाँ से एक ही वैल्यू माइनस थ्री इसको भी सेटिस्फाई कर रहा माइनस थ्री, तो फाइनल आंसर है ए इक्वल टू माइनस थ्री। समझ में आया क्या कैसे निकाला है, क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, है ना, ये नोट कर ले मैंने, है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था और ये कैलकुलेट करके बताया कि कैलकुलेट करके भी माइनस थ्री ही आएगा। कंप्लीट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ओके लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, find the number of solutions of the equation fx equals to f inverse x। हाँ तो देखो आप x is greater than or equal to one में inverse निकाल लें और equate कर दें तो भी, लेकिन अभी आज हमने एक point भी पढ़ा है कि fx और f inverse x के solution एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन से सेम होंगे, पढ़ा है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और एक्स एफ एक्स की, है ना, एक्स को इधर ले आए, तो एक्स इक्वल टू जीरो और माइनस वन, माइनस वन से ग्रेटर है तो माइनस इक्वल भी है और जीरो माइनस वन से ग्रेटर होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए बेटा, टू, और वो सॉल्यूशंस क्या क्या है, जीरो और माइनस। समझ में आया क्या बेटा कैसे किया ये, ठीक है? बस ये लगेगा कब, जब ये y इक्वल टू x लाइन को fx और fx का ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो,
जैसे y इक्वल्स टू x, ये लाइन होती है ओरिजिन से पास होती है, इसको x स्क्वायर प्लस 2x का ग्राफ इंटरसेक्ट करता। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे ही नहीं उसमें। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि ये a टू द पावर x और log x, ये दोनों y एक्सिस y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, मिरर इमेज है, बट इनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्शन होता तो ये दोनों कहां मीट करते, लाइन y इक्वल टू x पर मीट करते। वही कंसेप्ट अपन लगा रहे हैं, लाइन y इक्वल्स टू x रख देते हैं, fx इक्वल टू x, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाते। लेकिन ये कंडीशन कब वैलिड होगी? जब fx का ग्राफ लाइन y इक्वल टू x को इंटरसेक्ट करता हो। समझ में आया बच्चों? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लेट एफ एंड जी बी इनवर्टिबल फंक्शंस सेटिस्फाइंग f and g be invertible functions satisfying f1 equal to 2, f2 equal to 3, f3 equals to 1, g1 equals to minus 1, g2 equal to 3, g4 equal to minus 2. Let f and g be invertible functions satisfying f1 equal to 2, f2 equal to 3, f3 equals to 1, g1 minus 1, g2 3, and g4 minus 2. Find fog inverse 1. Find fog inverse 1. Kar sakte hain? बिल्कुल सही, इसने देखो बच्चों, ये पहले ये समझ में आया मैंने क्या लिखा पहली लाइन? सही, बच्चों को समझ में आया क्या? एफ रिवर्सल लॉ लगा, एफ ऑफ जी होल इनवर्स, तो क्या आएगा? जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स वन, ठीक है। फिर जी ऑफ एफ एक्स, तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स वन। अब एफ इनवर्स वन कैसे निकालेंगे? देखो, एफ इनवर्स वन यहां से निकलेगा। समझ में आया क्या? एफ को उधर ले गए तो एफ इनवर्स वन इक्वल टू क्या हो गया? थ्री। F इनवर्स वन की वैल्यू थ्री। ये सबको समझ में आया कि कैसे आया? F इनवर्स वन की वैल्यू थ्री कैसे आई समझ में आया? अब G इनवर्स थ्री, तो G इनवर्स थ्री देखो, यहां पर यहां से टू निकलेगा, G को उधर ले जाओगे, G इनवर्स थ्री। समझ में आया?
समझ में आ गया कि सभी को? सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा? रिपीट का, रिपीट करते हैं बेटा। देखो ध्यान से अमित, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपने कुछ चीजें पता होना चाहिए। एफ ऑफ जी इनवर्स वन है ना, तो एफ ऑफ जी इनवर्स में रिवर्सल लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा बेटा? जी इनवर्स हो एफ इनवर्स, आज ही बताया। अभी तो गॉफ है एक्चुअली। गॉफ एक्स कैसे लिखते हो आप? गॉफ एक्स मतलब इन जनरल जी ऑफ एफ एक्स, तो बस इनवर्स लगे रहना। तो अब एफ इनवर्स वन की वैल्यू चाहिए हमें, तो एफ इनवर्स वन मतलब देखो कि किस पॉइंट पर फंक्शन एफ की वैल्यू वन है। थ्री पर देखो, फंक्शन एफ की वैल्यू वन कहां पर है? थ्री पर। तो यहां से अगर आप एफ को उधर शिफ्ट करोगे तो एफ वन उधर जाके क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स वन इक्वल टू थ्री। समझ में आया कि एफ इनवर्स वन थ्री कैसे आया? ठीक है, ठीक है। अब जी इनवर्स थ्री कैसे आएगा? तो देखो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर थ्री है, ये इधर से देखा मैंने। फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू टू पर थ्री है, तो जी इनवर्स थ्री क्या हो जाएगा? टू। अमित समझ में आया? यस, ठीक है। क्लियर हो गया? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आकर। ठीक है, नोट कर लिया क्या सभी ने? ओके, लेट जी आर इंटू आर जी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस एट, एफ आर एक्सेप्ट माइनस टू आर एक्सेप्ट जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस टू। फाइन है ना, ध्यान से करेंगे बिल्कुल। जी ओ एफ इनवर्स, होल इनवर्स नहीं है, माइनस टू। ट्राई करो। थ्री, कुणाल का आंसर थ्री, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। स्नेहिल का भी सही है। बिल्कुल सही है ना। कैसे कैलकुलेट करें? जी ऑफ एफ इनवर्स माइनस टू निकालना है, तो जी ऑफ एफ इनवर्स माइनस टू है ना। तो देखें ध्यान से देखें, टू एक्स यहाँ पर क्या जी और एफ आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं क्या? वाई माइनस नहीं, ठीक है। तो अब एफ इनवर्स माइनस टू निकालना है बेटा, मतलब अगर मैं इसको वाई मान लू तो जब वाई की वैल्यू माइनस टू होगी तब एक्स क्या होगा? आप चाहो तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो कि एफ एक्स का इनवर्स निकालो पहले और फिर उसमें एक्स की जगह माइनस टू। उसकी जगह ऐसा भी सोच सकते हो कि जब एफ एक्स माइनस टू होगा तब जो एक्स आएगा उससे जो एक्स आएगा वो एफ इनवर्स माइनस टू होगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? क्योंकि जो
हम जी वाई निकालते हैं, वाई वही क्या होता है इनवर्स एफ एक्स का, ठीक है। तो मैंने एफ एक्स को माइनस टू रख दिया, उससे जो एक्स निकलेगा मेरा एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स हो गया माइनस टू माइनस वन बाई टू, तो कितना हो गया बेटा माइनस फाइव बाई टू। तो एफ इनवर्स माइनस टू माइनस फाइव बाई टू, अब तो कुछ बचा नहीं, इसमें रख दो टू इंटू माइनस फाइव बाई टू, टू इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस एट, तो माइनस फाइव प्लस एट थ्री। क्या ये सबको समझ में आया क्या? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव, फाइंड एफ इनवर्स फोर, फाइंड एफ इनवर्स फोर। है ना, इसमें देखो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। इनवर्स कैलकुलेट करना आसान नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि अगर मैं वाई मान लूंगा तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में लाना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि फिर कैसे करोगे, है ना। तो जैसे अगर अपना वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, इससे जो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालते हैं वही एफ इनवर्स होता है, ठीक है। तो f इनवर्स y मतलब y की वैल्यू 4, अगर मैं यहाँ fx y की जगह 4 रख दूं, उससे जो x निकलेगा वही क्या होगा f इनवर्स 4। ये बात क्लियर हो गई क्या सभी को? अगर मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू fx की वैल्यू 4 रख दूं, उससे जो x निकलेगा वही f इनवर्स 4 होगा। इज इट क्लियर? नहीं, सुनो ध्यान से सुनो सौम्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो है ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स कैसे निकालते हो? हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स? हम x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं, उसी को इनवर्स, हाँ कुणाल आंसर सही, उसी को इनवर्स बोलते हैं। सौम्या बात समझ में आई क्या? x की वैल्यू हम y की टर्म्स में निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ एफ। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एफ इनवर्स 4, एफ इनवर्स वाई की जगह क्या रख दूं? 4। तो वाई की वैल्यू 4 रखने पर एक्स क्या आएगा? वही एफ इनवर्स 4 होगा। सौम्या बात समझ में आई क्या? आ गई। तो बस वाई की वैल्यू क्या रख दें? 4 रख दें, और उससे x निकाल लें, वही हमारा f इनवर्स 4 होगा। तो मैंने y की जगह 4 रख दिया, बस अब यहां से x निकालना है, और आंसर सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सही बता दिया है, 7x, 4 वहां जाएगा, 4 तो 9 हो गया, 2x क्यूब। तो x की जगह देखो 1 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू 1 रखने पे क्यूबिक सेटिस्फाई हो रही, तो x इक्वल टू 1। आप बोलेंगे फिर 1 के अलावा और दो रूट निकलेंगे इस क्यूबिक के, वो रियल नंबर नहीं होंगे, इसलिए मैंने केवल x इक्वल टू 1 ही ले लिया। समझ में आ गया कि सबको? क्लियर?
एक्स इक्वल टू वन के अलावा इस क्यूबिक के और सॉल्यूशन आएंगे, वो रियल नंबर नहीं होंगे। चाहे तो आप मैं करके बताऊं क्या, इस क्यूबिक को सॉल्व करके बताऊं, 2x³ + 7x - 9 = 0। ठीक है, हो गया सभी का? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एम द फंक्शन fx = x³ - mx² + 3x - 11 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एम द फंक्शन fx = x³ - mx² + 3x - 1 इज इनवर्टिबल। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, अब देखो इस फंक्शन में आपको इस फॉर्म में मैपिंग फॉर्म में दिया नहीं कि किससे किस पर डिफाइन है, तो जब भी फंक्शन ऐसा ना दिया हो तो उसका डोमेन क्या होता है बेटा, उसकी इसमें आर या पॉलिनोमियल दिख रहा, और जो रेंज होती है रेंज भी क्या माना जाती है उसमें आर, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का पूरा नाम है बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन, जो हम फंक्शन पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड तक उसका कंप्लीट नेम क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब रेंज क्या आएगी, रियल वैल्यू ही आएगी। तो अगर रेंज कोडोमेन और रेंज नहीं दिया हो तो उसका मतलब क्या है, रेंज नहीं कोडोमेन आर, मैंने रॉन्ग बोला, रेंज नहीं है एफ ए इंटू बी, अगर गिवन नहीं है तो आप क्या मान के चलो कोडोमेन आर है। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर एम द फंक्शन इज इनवर्टिबल। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसा पॉलिनोमियल है, दो वैल्यू आ रही है केवल इंटरवल नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो इंटरवल आएगा। ठीक है स्नेहल, हाँ तो देखो सबसे पहले हम, अब सुन लो पहले ध्यान से सभी लोग, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज आर होती है, तो रेंज आर है और कोडोमेन भी आर है, सो इट इज ऑन टू, ऑन टू में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बचा क्या, वन वन, वन वन और होना चाहिए तभी इनवर्टिबल होगा फंक्शन, विच इज वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड इनवर्टिबल। तो ऑन टू तो हो ही गया इनवर्टिव, अब वन वन के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन वन वन के लिए, वन वन के लिए अगर हम डोमेन में डिस्टिंक्ट पॉइंट लें तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आए, तो जो फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो बढ़ते ही जा रहे हैं या मोनोटोनिक नहीं मोनोटोनिक होते हैं, वो फंक्शंस कैसे होते हैं, वन वन, तो इसको मोनोटोनिक निकालना, मोनोटोनिक फंक्शन कब होते हैं, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। अब सही बताया इसने, तो f dash x is greater than or equal to 0 हो और f dash x is less than or equal to 0 for all x belongs to domain of f। ठीक है, तो देखते हैं अपन f dash x निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा, 3x² - 2mx + 3। ये हो सकता है कि, अब देखो ये less than or equal to 0 तो हो ही नहीं सकता, रीजन बताओ क्यों नहीं हो सकता, लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू जीरो अपन ने यही इंक्लूड कर लिया, क्यों नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट, डोमेन आर है। ठीक है, तो एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने की कंडीशन ग्राफ मालूम है ऐसा बन जाएगा, किसका ग्राफ है ये, एफ डैश एक्स का, क्या ले लूं कंडीशन, डी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक में पढ़ी है ना बेटा ये सब चीजें, क्योंकि क्वाड्रेटिक मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे b² - 4ac 4 से डिवाइड m² - 9 मिडिल टर्म स्प्लिट की m + 3 m - 3
ठीक है, तो बेबीकर मेथड सभी को आता है, इंटरवल मेथड। माइनस प्लस, तो हमें माइनस नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है, तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस थ्री टू थ्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर, सभी को समझ में आ गया है? ओके, चलो एक क्वेश्चन और करके बताएं, इसी टाइप का दे देता हूं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फंक्शन fx equals to k plus 2x cube minus 3k x square plus 9kx minus 1 is invertible. कर सकते हो? k plus 2x cube minus 3k x square k है बच्चों, plus 9kx minus 1 is invertible. करेंगे, हाँ कर रहे हैं ना सभी लोग?
कोई आंसर नहीं दे रहा बेटा, इतना टाइम लगा दिया। हाँ बच्चों देखेंगे, -420 ओपन नहीं। देखो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऑन टू के बारे में नहीं सोचना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज R होती है और कोडोमेन भी गिवन है R, अंडरस्टूड है, गिवन नहीं है मतलब अंडरस्टूड है R है। जब भी कोडोमेन नहीं दिया हो जिस फंक्शन में वहां अंडरस्टूड रहता है, कोडोमेन क्या है बेटा R है, क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम ही क्या है, सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इज ऑन टू, अब फंक्शन इज वन वन, वन वन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वही डिफरेंशिएशन, 3k + 2x² - 6kx + 9k। ठीक है, या तो f dash x is greater than or equal to 0 लोगे, या फिर f dash x is less than or equal to 0 for all x belongs to R। दोनों केस में x belongs to R है क्योंकि डोमेन इसका R है। हम तो 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 2, तो बेटा मैं 3 से डिवाइड करके लिख दूं, k प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2kx, 3 से डिवाइड किया प्लस 3k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और अब देखो यहां पर ध्यान ये देने की चीज है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 वहां लगा दिया तो यहां लेस देन 0 भी लेंगे तो भी चलेगा, और इक्वल टू 0 लेंगे तब भी फाइनली हम यूनियन करेंगे तो वो तो हटा ही देंगे, तो कोई ऐसा इशू उसमें नहीं है कि रॉन्ग या राइट हो रहा है। समझ में आया ना, अगर मैं यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लू तब भी चलेगा, क्योंकि यूनियन में हम एक चीज को एक ही बार लेते हैं, और का मतलब यूनियन है, दोनों का यूनियन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 दोनों जगह है तो एक ही जगह लिया जाएगा यूनियन। ठीक है, तो अब हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन के प्लस 2 मस्ट बी पॉजिटिव एंड डी इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसके लिए कंडीशन क्लियर। तो के इज ग्रेटर देन माइनस 2, ये मालूम है क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और तभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रहण। अब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 से डिवाइड, है ना, कैलकुलेशन देखना मैंने 4 से डिवाइड किया तो के स्क्वायर माइनस 3k² - 6k, तो -2k² - 6k, -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, k + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंटरवल मेथड सबको आती है, लिख दो डायरेक्ट ये -∞ to 0 union - -∞ to -3 यूनियन 0 to infinity, और ये पहला केस क्या था, के बिलोंग्स टू -2 to infinity, दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, इसका और इसका इंटरसेक्शन, -2 to infinity, -2 तो -3 के बाद ही आएगा, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन, ये जो -∞ to -3 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, 0 to infinity इसके अंदर, के बिलोंग्स टू, बेटा समझ में आया क्या, k belongs to closed interval 0 to infinity, इसका और इसका इंटरसेक्शन, राइट। अब दूसरा केस, दूसरे केस में k plus 2 क्या लोगे, less than 0 और d less than or equal to, तो d वाला पोर्शन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, पहले ही कर रखा अपन ने, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं उससे, और इधर आ रहा k is less than -2 मतलब -∞ से -2, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो -∞ से -3 आ गया, है ना, -∞ से -3 पूरा किसके अंदर है, इसके अंदर है -3। हाँ, अब हमारा ये और इसका यूनियन फाइनल आंसर क्या आएगा, -∞ to -3 क्लोज्ड यूनियन 0 to infinity। सबको समझ में आया कैसे किया, -∞ to -3 क्लोज यूनियन 0 close to infinity ओपन, ये फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, इनवर्स
अच्छे से समझ में आया सबको? क्या चीज रिपीट करूं अजय, मेरे को बस ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है बेटा, मैं ये कंडीशंस रिपीट करूं कैसे? कुछ नहीं मतलब, पहले क्या बोल रहे थे एक्सप्लेन तो करो। अच्छा ये पुराना रिपीट है, पुराना लिखा हुआ मैंने अभी देख लिया जब आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, है ना? सॉरी। हाँ ये सबको समझ में आया क्या बेटा? ये आप बोलो कि फंक्शन की चीज नहीं है, ये तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट है, ये और ये कैसे अप्लाई किया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो बोल सकता है? कंप्लीट कंप्लीट हो गया। सभी का कंप्लीट हो गया। कंसेप्चुअली कहीं किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं बेटा। ओके है ना बेटा? तो ये हमने ऑलमोस्ट अपन ने यूनिवर्स के सभी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो हमने बेटा पीरियोडिक फंक्शंस भी काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे अगर ऐसा बोलें कि हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए, तो अब उसमें उस टाइप का जो आगे की कंसेप्ट से रिलेट करेगा उसमें वो इंक्लूड नहीं हो पाता है। अब जैसे मैं कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका पीरियड निकालने के लिए हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। फाइंड द पीरियड of the function fx equal to sin x into cos x। ये क्वेश्चन दिया। अब आप बोले कि sin x और cos x का प्रोडक्ट वन होता है, वन कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है, पर हम उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बता सकते। नहीं ठीक है, वन हर जगह वन नहीं हो रहा। अब हमें वन भाई ऑब्वियसली y इक्वल्स टू वन है, अगर एफ एक्स को y बोलते हैं हम तो वन आ रहा है, लेकिन x की हर रियल वैल्यू पर वन नहीं आ रहा है। साइन x x की हर रियल वैल्यू पर डिफाइन होता, cosec x थोड़ी हर रियल वैल्यू पर डिफाइन होता, तो डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो डोमेन में एक cosec x कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता, जहां साइन जीरो होता। साइन जीरो कहाँ होता, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एन पाई नहीं हो सकती। तो अब ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो जैसे जीरो, जीरो पाए, टू पाए, थ्री पाए, फोर पाए, माइनस पाए, माइनस टू पाए, है ना, जितना इक्वल इंटरवल पर। हाँ अब कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है ये फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पाई के ऑड मल्टीपल पर, एक तो जीरो पे डिफाइन नहीं, और बाकी सब पर वैल्यू क्या आएगी, वन, क्योंकि बाकी हर पॉइंट पर वैल्यू क्या आने वाली है, वन, बस जीरो पर। ठीक है तो जीरो पर डिफाइन नहीं है, तो मैं राउंड बोर्ड लगाते जा रहा हूँ, ये ओपन सर्कल। पाई पर भी डिफाइन नहीं है, ये टू पाई पर भी डिफाइन नहीं है, थ्री पाई पर भी डिफाइन नहीं है, और ये फोर पाई पर, ये मैंने जो सर्कल लगाए बेटा, ये जो सर्कल लगाए यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, समझ में आया? लेकिन कांस्टेंट फंक्शन है, रिपीट तो हो रहा है। हाँ तो पीरियड हम कैसे बताएंगे,
जीरो से पाई में जो ग्राफ बन रहा है उसके बाद ब्रेक हो गया, फिर पाई से टू पाई में भी वही ग्राफ है, फिर टू पाई से थ्री पाई में भी वही ग्राफ है, फिर थ्री पाई से फोर पाई में भी सेम ग्राफ है। समझ में आया? तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड क्या हो गया? पाई, है ना। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसका हम पीरियड केवल ग्राफ बनाकर ही बता सकते। क्या ये सब कुछ समझ में आया क्या?